नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। पिछले एक साल में जहां कोरोना वायरस के मामले को 97,000 से 9,000 तक पहुंचते देखा गया, वहीं अब फिर से कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है और अब संक्रमण का आंकड़ा एक बार फिर 90,000 के पार पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में तेजी से बढ़ते कोरोना ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों को फिर से डर सताने लगा है। अब लोग भीड़भाड़ और सफर से डरने लगे हैं। ऐसे में कोरोना काल में रेलवे की नई स्कीम को यात्री एक बहुत बड़ा तोहफा मान रहे हैं। जी हाँ, क्या है ये नया तोहफा, हम आपको बताते हैं। यात्रियों का सफर आसान और आरामदायक हो, इसके लिए रेलवे ने एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 5 अप्रैल 2021 से चलने वाली यह ट्रेनें अनारक्षित यानी अनरिजर्व होंगी। इसकी जानकारी केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। पीयूष गोयल ने लिखा है कि यात्रियों के लिए परिवहन सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए रेलवे 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। यह ट्रेनें यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेंगी। 71 ट्रेनें सेवाओं की सूची भी हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर इन ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। पांच अप्रैल यानी कि कल से यह सुविधा यात्रियों को मिलने वाली है।